अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक्नी स्कार से रिलेटेड है। वो लोग जिनके चेहरे पे एक्नी हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं और पिंपल्स के बाद दाग धब्बे निशानात वैसे ही रह जाते हैं। सबसे पहले आपसे कहूंगी, जब भी पिंपल हो कभी भी अपने पिंपल को पॉपअप मत किया करें, क्योंकि उसकी वजह से एक्नी स्कार रह जाता है और दाग धब्बे नहीं जाते। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ घरेलू रेमेडी शेयर करने के साथ साथ एक मेडिकल क्रीम भी बताऊंगी जो आपके एक्नी स्कार्स को बहुत जल्द ख़त्म कर देगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रेमेडी के अलावा कोई भी क्रीम बताई जाए जिससे एक्नी स्कार्स बहुत जल्द रिमूव हो जाएं। तो मैं आपके साथ एक्नी स्कार्स को ख़त्म करने के लिए ट्रांसपेरेंट क्लियर जेल बताऊंगी जो आपके स्कार्स को हील करेगी और आपकी एक्नी को ख़त्म करेगी। पहले चलते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी को बनाने के लिए आपको इंग्रीडियंट्स में चाहिए योगर्ट, आपने दही लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट इंग्रीडियंट में आपको चाहिए हनी, शहद। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा टी पाउडर, आपने चाय की पत्ती लेनी है। ये सब इंग्रेडिएंट्स आपके घर में यकीनन अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपको चाहिए राइस पाउडर, चावल का आटा, चावल को लेकर उसको पीसकर पाउडर बना लीजिए। नेक्स्ट में आपको चाहिए होगा टर्मेरिक पाउडर, हल्दी। इसके अलावा आपको चाहिए एलोवेरा जेल, आप फ्रेश एलोवेरा लीफ भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप मार्केट में मौजूद एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लास्ट में आपको चाहिए लीमू। अब आपने एक बाउल लेना है, एक बाउल में आपने एक चाय का चम्मच राइस पाउडर, चावल का आटा, अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक चाय का चम्मच चावल का आटा लेना है। इसमें आपने एक चुटकी वन पिंच हल्दी ऐड करनी है। के अलावा नेक्स्ट में आपने इसमें वन पिंच एक चुटकी टी पाउडर, चाय की पत्ती ऐड करनी है। ये आपकी स्किन पे स्क्रब के तौर पे काम करेगा, एज अ स्क्रब। नेक्स्ट में आपको चाहिए होगा हनी, आपने 1/4 टीस्पून हनी, चाय का चौथा हिस्सा हनी लेना है। और इसमें आपने एलोवेरा जेल लेकर, अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश लेकर इसके पत्ते में से जेल निकाल लें, अदरवाइज आप मार्केट में मौजूद एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपने एक चाय का चम्मच एलोवेरा जेल लेनी है। अब आपने इन सब अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करना है। इसका एक स्मूथ फाइन सा पेस्ट बनाने के लिए आपने इसमें दही ऐड करनी है। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप दही की जगह रोज़ वाटर, गुलाब का अर्क या दूध भी ऐड कर सकते हैं। आपने हसबे ज़रूरत आपने दही ऐड करना है जिससे इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। पेस्ट ना तो बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये पेस्ट हमारे पास रेडी है। अब आपने इस पेस्ट को अपने चेहरे पे, अपने एक्नी स्कार्स पे अप्लाई करना है। इस रेमेडी को आप सिर्फ एक्नी स्कार्स के अलावा अपने पूरे चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने हाथों पांव पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपकी एक्नी को रिमूव करेगा बल्कि ये आपके चेहरे को, आपकी स्किन टोन कम्प्लेक्शन को लाइट करेगा। एक इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करना भूल गई, लास्ट में आपने इसमें लीमू, लेमन ऐड करना है। अगर आपकी स्किन पे लेमन सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप लेमन ऐड करें, ये स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। आपने इसमें 5 से 6 कतरे लीमू के रस के ऐड करने हैं।
अब आपने इस पेस्ट को अपने इफेक्टेड एरिया पे, अपने फेस पे जहां आपके एक्ने स्कार्स हैं वहां पे अप्लाई करना है। आप ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं या आप फिंगर की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपने इफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए इसका हल्के हाथों से मसाज करना है। आपको बताती चलूं, इस रेमेडी में, इस पेस्ट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं वो सब आपकी एक्ने स्कार्स के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। इसके अलावा आपकी एक्ने को क्लियर करेगा और ना सिर्फ आपकी एक्ने ठीक होगी बल्कि आपके चेहरे की रंगत भी गोरी हो जाएगी। इसको अप्लाई करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए इसका मसाज करने के बाद इसको 20 से 25 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो लिक्विड वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से इसको धो लीजिए। ये रेमेडी बहुत बेस्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके एक्ने स्कार्स को रिमूव करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप फौरी अपने एक्ने स्कार्स को, एक्ने को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए जेल। आप देखें, ये एक्ने स्कार केयर के नाम से ये क्रीम है जो आपको कोई भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगी। आपने करना क्या है, इस जेल को अपने इफेक्टेड एरिया पे जहां आपके एक्ने स्कार्स हैं, जहां आपके एक्ने हैं, सिर्फ आपने उस जगह पे इसको लगाना है। आपने पूरे चेहरे पे इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको दिखाती चलूं, ये है एक्ने स्कार्स को, एक्ने को रिमूव करने के लिए क्रीम जेल जो आपके एक्ने स्कार्स को बहुत जल्द रिमूव करेगी। इस जेल को आपने अपने इफेक्टेड एरिया पे लगाना है। ये आपको ट्रांसपेरेंट सी नज़र आएगी। आपने बस अपने इफेक्टेड एरिया पे इसको इस तरह से अप्लाई कर देना है डॉट्स में, जहाँ जहाँ आपके एक्ने स्कार्स हैं। याद रखिए, आपने इसे अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई नहीं करना। ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। ये बहुत बेस्ट है, ये आपके एक्ने स्कार्स को बहुत जल्द रिमूव कर देगी। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे क्लिक करना और बाकी लोगों के साथ वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। व्यूअर्स, आपसे एक लास्ट में छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, आपने अभी तक अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।